तो अभी हम यहाँ पर जो प्लान का डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 28x50 का, तो चलिए पहले आउटसाइड जो वॉल है आपका 10 इंच का वॉल, उसको हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा कलर करके हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये आपका आउटसाइड का 10 इंच का वॉल है, चलिए इसको पहले हाईलाइट करते हैं। इंटरनल जो वॉल है आपका 5 इंच का वॉल, ओके। तो आउटसाइड वॉल हम रेड कलर करेंगे और इनसाइड वॉल भी हम कुछ अलग अलग सा चेंज कर देंगे, तो उसमें क्या होगा आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका 10 इंच और जो 5 इंच जो वॉल है उसका अंदर जो फर्क है वो कैसा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए आपका 10 इंच का वॉल है, तो इसमें हम थोड़ा सा कलर करके रेड कलर से हम इसको हाईलाइट करते हैं, तो उसमें क्या होगा आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10 इंच और यहाँ पर हम बाइक रखने का एक गैरेज भी रख रहा है, पोर्च रखा है, तो आपका एक छोटा सा गैरेज भी मिल जाएगा फ्रंट में, क्योंकि पोर्च के नीचे आप घर छोटा सा एक गैरेज कर सकते हैं बाइक रखने का, ठीक है। ये हमारा रेड कलर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर जो बाकी जो पोर्शन है यहाँ पर हम येलो कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखिए कर दिया है, यहाँ पर भी विंडो है, जो घर का विंडो होता है यहाँ पर भी विंडो, येलो कलर जो है कलर, ये आपका विंडो का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें आपको विंडो भी मैंने दिखा दिया है, तो विंडो और वेंटिलेशन जो होता है घर का उसके बारे में हम देखिए वो भी हम यहाँ पर हाईलाइट करके आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो अंदर का जो वॉल होगा, तो अंदर का जो वॉल है वो 5 इंच का वॉल है, वो भी हम देखिए कलर करके ऐसे कलर करते हैं। तो 5 इंच का वॉल है, यहाँ पर भी 5 इंच का वॉल, तो अंदर में भी कुछ विंडो आ गया है, तो वो भी हम येलो कलर से बाद में कलर करेंगे, पहले हम इसको इस कलर से हाईलाइट करते हैं उसके बाद, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आपका आउटसाइड में जगह नहीं है, तो आप सेफ्ट या डक्ट यूज़ कीजिए, और सभी स्टेट में ऐसे नहीं होता है कि थ्री साइड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। गांव में ऐसा नहीं होता है कभी कभी, तो बहुत सारे जगह होता है उसका साइड में भी बहुत सारे जगह, तो विंडो रखने का, खिड़की रखने का, ठीक है, इसलिए हमने रखा है यहाँ पर। तो आप उसको चेंज करके इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो, सकता है हमसे भी ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो सकता है, तो आप इसको नॉलेज मॉडिफाई करके आप खुद एक अच्छा सा प्लान बना भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको देख के कुछ सीख भी सकते हैं कोई बात। तो यहाँ पर जो है 28 फीट और यहाँ पर जो है 50 फीट हो गया। उसके बाद हम इसका जो डोर देखिए ऐसा है, डोर यहाँ पर, डोर यहाँ पर, डोर यहाँ पर भी, डोर पर एक डोर पर भी डोर, ठीक है, इधर भी डोर और बाकी तो जगह आपको जगह तो मिल गया है। चलिए इसका डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करते हैं क्या क्या है इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है पोर्च या बाइक गैरेज, ओके, तो इसमें जो है 14 फीट 4 इंच वाइड, ओके, और इधर जो है 8 फीट, इधर से एंट्री एंट्री इधर से आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका गेट आएगा, ठीक है। गेट आने के बाद आप यहाँ पर जो स्टेयर इधर से आप स्टार्ट हो जाएगा 3 फीट,
3 फीट, 3 फीट, तो इधर ड्राइंग हॉल और स्टे आर हॉल रूम आएगा, तो घर के जो अंदर आएगा तो इसे इधर बैठने का जगह मिल जाएगा। टोटल कितना डिस्टेंस है? 13 फीट 6 इंच। ओके, 16 फीट 5 इंच। का गैप मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इधर 4 फीट 1 इंच का एक पैसेज ओके यहाँ पर डोर, तो यहाँ पर तो आपको किचन दिखने को मिलेगा इधर एक, तो 9 फीट बाई 8 फीट का एक किचन मिलेगा इधर। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे इधर एक बेड रूम, तो बेडरूम का साइज कितना है? 9 फीट बाई 11 फीट। उसके साथ रहेगा एक स्टोर, तो ये भी 9 फीट बाई 3 फीट 8 इंच का। और इधर एक डाइनिंग हॉल आपको मिल जाएगा, जिसका एक साइड में डिस्टेंस 10 फीट 6 इंच, दूसरा साइड में 15 फीट 1 इंच डोर। इधर एक बाथ प्लस लैट्रिन जो कि है कॉमन, 9 फीट 8 इंच, और एक साइड में 6 फीट। ओके, नेक्स्ट इधर एक बेडरूम, तो बेडरूम 12 फीट 5 इंच और दिस साइड में 12 फीट। इधर डोर, एक टॉयलेट घर के साथ अटैच टॉयलेट 6 फीट और 5 फीट डोर 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 बेडरूम ट्वेल्व फीट बाई 14 फीट। उसके बाद यहाँ पर एक टॉयलेट जो कि घर के साथ अटैच, तो आप इसको कॉमन भी कर सकते, तो इसको हमने 8 फीट 1 इंच और 6 फीट का रखा है। ठीक है, सभी जगह का तो मेज़रमेंट आपको मिल गया है। उसके बाद हमें जो करना है वो है इसका जो कॉलम का पोजीशन, वो थोड़ा सा हम आपके साथ हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आप देखिए एक बार इसको, तो ये जो कोने है यहाँ पर 2, इधर कर सकते इधर, देखिए 9 5, इधर आपको इधर भी कीजिए, देखिए इधर भी आप कर सकते हैं ऐसे, तो डिस्टेंस वाइज आपको इसको देखना चाहिए कहाँ पर रखना चाहिए। पहले हम जो स्क्वायर पोजीशन है यहाँ पर आपका कॉलम का पोजीशन रखते हैं, उसके बाद बाकी जो पोर्शन है उसका हम देखते हैं कहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम देना चाहिए। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से आपका कॉलम का साइज़ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से आपका कॉलम बिठाना है, और एक्स्ट्रा कॉलम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आउटसाइड का जो वॉल है इसका 10 इंच का वॉल, और इनसाइड में जो वॉल है इसका 5 इंच का वॉल, आउटसाइड इनसाइड मिला के आपका 10 बाई 5 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा? 50 × 28 = 1400 स्क्वायर फीट। ओके, तो उसके बाद आपको
इसको थोड़ा सा चेंज करना है, कोई भी डायरेक्शन में कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको टोटल बेडरूम 1, 2 एंड 3 बेडरूम मिल जाएगा। तो वीडियो पर एंड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इसको, कोई भी डाउट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं।